हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। एंड टुडे इज संडे और आज हम कैंटो 2 करेंगे रेप ऑफ द लॉक का। आज शुरू करते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द इथर्नल एथरियल प्लेन द सन फर्स्ट राइज ओवर द पर्पल्ड मेन देन इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स। यहाँ बेलिंडा की बात की हुई है। हियर बिगिन्स एन एपिक कन्वेंशन, और एक ग्रेट वॉयज पे निकली हुई हैं बेलिंडा अपने बोट के साथ। बेलिंडा इज़ ट्रैवलिंग इन अ बोट ऑन द थेम्स रिवर, और उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब पोप ने दिया है। और अब यहाँ पे हम बेलिंडा को देखेंगे, हमारा फर्स्ट जो है रूबरू होगा कि बेलिंडा की ब्यूटी किस तरीके की है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द एथरियल प्लेन, एथरियल प्लेन मतलब जो स्काई जो है, जो आसमान है, जो एक ब्रह्मांड है, उसके जो प्लेन की उतनी ग्लोरी नहीं है। ठीक है, द सन फर्स्ट राइजेस ओवर द पर्पल मेन। ठीक है, जब सन सबसे पहले आकाश में निकलता है, या जो फर्स्ट जो सनराइज होती है और उसकी जो रोशनी होती है, राइजेस, फर्स्ट राइजेस ओवर द पर्पल मेन, और वो जो फर्स्ट जो उसकी रोशनी पड़ती है और वो जो खूबसूरती होती है सनराइज की, उसका एक राइवल है। ठीक है, देन इशूइंग फोर्थ, तो उस सनराइज का, सन की रोशनी को और उसकी खूबसूरती को, जो नेचर की ब्यूटी है, कुल मिला के यहाँ आप ऐसे समझो कि नेचर की जो ब्यूटी है उसका एक राइवल है अर्थ पे, और वो कौन है? द राइवल ऑफ हिज बीम, और सन की रोशनी जो है उसकी राइवल कौन है? बेलिंडा है। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, यहाँ पे बेलिंडा की ब्यूटी को सन रेज और सन राइज के टाइम की जो खूबसूरती होती है उससे कंपेयर किया गया है। और वो बता रहे हैं पोप की वो जो खूबसूरती होती है, जो नेचर की ब्यूटी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत बेलिंडा की ब्यूटी है। कैसे, वो देखते हैं। लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थीम्स, और वो खूबसूरती ने खुद को लॉन्च किया कहाँ? सिल्वर थीम्स में। ठीक है, वो अपने बोट पे कहीं निकली हैं थेम्स रिवर में, और सिल्वर थेम्स क्यों है? क्योंकि जो रोशनी होती है सन की, जब वो पानी पे पड़ती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, तो वो बहुत शाइन करता है पानी, तो इसलिए वो सिल्वर थेम्स, मतलब सिल्वर थेम्स में बेलिंडा अपने बोट पे अपने फ्रेंड्स के साथ निकली हैं, और उनकी जो ब्यूटी है वो सन की ब्यूटी को चैलेंज कर रही है, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही हैं वो। फेयर निम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन, उनके इर्द गिर्द, उनके अगल बगल फेयर निम्स हैं, खूबसूरत मतलब जो गार्डियन स्पिरिट्स हैं वो हैं, वेल ड्रेस्ड यूथ हैं, मतलब जो उनकी फ्रेंड्स हैं, यूथ हैं, अगल बगल उनके हैं। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर एलोन, लेकिन उन सबके बावजूद सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ बेलिंडा के ऊपर टिकी हुई है। वेदर इट इज़ अ स्पिरिट और द मैनकाइंड और एनीवन, सबकी नज़रें किस पे अटकी हैं? बेलिंडा के ऊपर ही फिक्स्ड हैं। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, उन्होंने अपने ड्रेस के साथ एक स्पार्कलिंग क्रॉस जो है वो पहना हुआ है, विच ज्यूज माइट किस, जिसको ज्यूज भी किस कर लेंगे, एंड इन फेंडल्स अडोर, और जो नास्तिक लोग हैं वो भी उसको एडमायर करेंगे। ज्यूज का नाम यहाँ क्यों आया? क्योंकि एज यू ऑल नो कि जो ज्यूज पीपल होते हैं, दे डोंट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, और जीसस में वो नहीं मानते। ठीक है, क्राइस्ट में वो नहीं मानते, उनके लिए क्रॉस वगैरह का कुछ ऐसा एज सच उनके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ज्यूज पीपल हैं वो भी उस क्रॉस को किस कर लें, और जो इन्फेंडल्स मतलब जो नास्तिक हैं, इन्फेंडल का मतलब नास्तिक हैं, वो लोग भी उसको एडमायर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेलिंडा ने वेयर किया हुआ है, और बेलिंडा ने उसको क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो शी हरसेल्फ इज अ कैथोलिक पर्सन। Her lively looks a sprightly mind disclose. उनका जो लुक है, जो बेलिंडा दिख रही हैं, वो बहुत ही लाइवली दिख रही है, बहुत ही जिंदा दिल जो लोग इंसान होते हैं वो वैसी शख्सियत रखती हैं, एंड स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, और उनका जो दिमाग है, और वो जैसे मेंटली बहुत ही एंथ्यूजियास्टिक पर्सन है, जो बहुत ही एंथ्यूजियास्टिक लोग होते हैं वो उस तरीके की पर्सनैलिटी है बेलिंडा। फिर आगे वो बढ़ते हुए कहते हैं, क्विक एज हर आईज एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज़,
ठीक है, उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, ठीक है, वो किसी एक चीज़ पे फिक्स नहीं होती, वो अनफिक्स्ड है, कभी वो एक तरफ है, मतलब बहुत चंचल आंखें हैं उसकी। फिर आगे है, फेवर्स टू नन टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड, उसने किसी को फेवर नहीं दिया, वो सबको देख के स्माइल पास कर देती है, तो किसी को फेवर नहीं कर रही। ऑफ्ट शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंड्स, वो किस सबके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है, बट इतने प्यार से, इतने तरीके से करती है कि किसी को वो बुरा नहीं लगता, तो वो किसी को ऑफेंड नहीं कर रही। ब्राइट एज द सन हर आइज द गेजर्स स्ट्राइक, ठीक है, उसकी जो आंखें हैं वो सन के जैसे, सूरज की रोशनी की तरह ब्राइट हैं, शाइन कर रही हैं, और द गेजर्स स्ट्राइक, और उनकी आंखों की अंदर की जो चमक है वो एक गेजर्स की तरह है। गेजर मतलब होता है जो निगाहें आपकी हैं, जो आप ध्यान से देखते हो, वो सबकी निगाहें जो हैं वो उसकी आंखों पे स्ट्राइक कर जाती है, मतलब नज़र जो है नज़र को खींचती है उनकी, इतनी शाइनिंग आंखें हैं उसकी। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, और जैसे जो सन होता है, जैसे सन की चमक होती है वो सबके ऊपर एक साथ चमकता है, वैसे ही जो बिलिंडा की आंखें हैं वो भी एकदम एक समान सबके ऊपर दिखती है, वो किसी को फेवर नहीं करती। येट ग्रेसफुल एज एंड स्वीटनेस वॉइड ऑफ प्राइड माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ बेलेज हैड फॉल्ट्स टू हाइड। अब यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि वो इतनी ग्रेसफुल लेडी है, उनके अंदर इतना ग्रेस है, इतना स्वीटनेस है, कि इतना स्वीटनेस और इतना ग्रेसफुल होने के बाद भी उसके अंदर प्राइड नहीं है, किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं है, और अगर है भी, बेलिंडा के अंदर कोई घमंड भी है, तो वो उसकी खूबसूरती की वजह से वो सारे घमंड उसके छिप जाते हैं। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, अगर बाई चांस अगर कोई एरर रह गया है उस फीमेल के अंदर, बेलिंडा के अंदर अगर कोई एरर रह भी गया है, तो जो लोग उसके फेस को देखते हैं, जो भी बेलिंडा को देखता है, जो भी जिसकी भी नज़रें उसके चेहरे पे पड़ती है, वो उसके सारे एरर को, सारी गलतियों को भूल जाता है, इतनी खूबसूरत बेलिंडा है। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, निम्फ क्यों बोला है बेलिंडा को, उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो ब्यूटी है बेलिंडा की, वो बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मेस्मराइजिंग खूबसूरती है, वो जो भी उसको देखता है वो उसको देखता रह जाता है, सूरज की रोशनी से ज़्यादा खूबसूरत है, लोगों की नज़र उस पर अटक जा रही है, वो ज्यूज पीपल को भी कंपेल कर ले रही है अपने अंदर, जो नास्तिक लोग हैं उनको भी अपनी तरफ, अपने क्रॉस की तरफ अट्रैक्ट कर ले रही है, उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखती, तो इस तरीके की जो ब्यूटी है वो मैजिकल ब्यूटी है, उसके अंदर कुछ मैजिक है उसकी खूबसूरती के अंदर, इसलिए यहाँ पे पोप ने उसको निम्फ बोला है, ठीक है। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, ये जो खूबसूरती है बेलिंडा की, ये किलिंग ब्यूटी है, लोगों को मतलब ये डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी मैनकाइंड को, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने बेलिंडा को हेलेन से कंपेयर किया है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसने अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी पूरी एक उसकी खूबसूरती की ही वजह से तो वो वॉर हुआ ट्रॉय का, तो यहाँ पे वही एक तरीके का कंपैरिजन है कि टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, मतलब इतनी खूबसूरत है बेलिंडा कि डिस्ट्रक्शन कर दे मैनकाइंड का। नॉरिश्ड टू लॉक्स, और उसकी जो बालों की दो लटे हैं बहुत ही नॉरिश्ड हैं और बहुत ही ग्रेसफुली उसके इर्द गिर्द दोनों कानों के पीछे वो लटक रही हैं, वो उनकी जो लटे हैं बाल की, इन इक्वल कर्ल्स, ठीक है, इक्वली कर्ल्ड हैं वो दोनों बाल की लटे हैं, एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक, वेल कंस्पायर्ड क्यों, क्योंकि उनकी जो खूबसूरती है, उन लटों की जो खूबसूरती है, उलझे बाल जो उसके लटके हुए हैं, वो इतने खूबसूरत हैं कि लोगों को वो अट्रैक्ट करने के लिए हैं, तो वो कंस्पायर करते हैं कि लोग उनके अंदर आके उलझ जाएं, इस तरीके से वो जो लटे हैं बेलिंडा की वो हैं। विथ शाइनिंग रिंगलेट द स्मूथ आइवरी नेक, आइवरी नेक मतलब कि जो आइवरी होती है, जो टस्क जो होते हैं आइवरी, उन्हीं को कहते हैं ना, जो हाथी का दांत होता है, तो उसकी उसकी जो स्मूदनेस है वो उसके गले, मतलब नेक जो है वो उसकी आइवरी की तरह है,
बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कार्व्ड नेक है. गर्दन जो है बहुत, जो बेलिंडा की गर्दन है वो बहुत ही कार्व्ड है, बहुत ही खूबसूरत गर्दन है, गला है उनका. और उसमें उन्होंने रिंगलेट पहने हुए हैं, मतलब शाइनिंग रिंगलेट डाला हुआ है. लव इन दीज लेवरियंस हिज स्लेव्स डिटेन्स. यहाँ पूरा फिजिकल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन है बेलिंडा के. तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लव इन दीज लेवरियंथ. अब ये जो दो बालों की लटे हैं खूबसूरत, वो एक भूल भुलैया की तरह है. ठीक है, जो उलझे हुए बाल हैं बेलिंडा के जो फेस पे उनके आ रहे हैं, वो जो है वो भूल भुलैया की तरह है, लेब्रियंस की तरह है, जिसमें जो इंसान घुसा, अगर सामने वाला इंसान उनके उन लटों के अंदर फंसा तो वो एज ए स्लेव वहीं पे हमेशा के लिए फंस के रह जाएगा. इतनी खूबसूरत बाल उनके हैं. एंड माइटी हार्ट. और जिन इंसानों के पास, कहते हैं बहुत ही, जिन लोगों के पास बहुत ही माइटी हार्ट है कि वो इस तरीके से नॉर्मल ब्यूटी के आगे अपना घुटना नहीं टेकते, या इस तरीके के जो लोग हैं, जो मेन हैं, उन माइटी हार्ट्स को भी बेलिंडा की खूबसूरती ने एक बहुत ही स्लेंडर चेन से बांध लिया है. मतलब इतनी खूबसूरत है कि उसके आगे कोई रिसिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी ह्यूमन रिसिस्ट नहीं कर सकता. With hairy springs, we the birds betray. Slight lines of hair surprise the finny prey. Fair tresses man imperial race ensure. And beauty draw us with a single hair. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक मतलब कैच होता है ना, जो बर्ड को आप कैच करते हो, जिस तरीके से जाल बिछा के, एक हेयरी जाल बिछा के आप स्प्रिंज का मतलब होता है कि कैप्चर करना या ट्रैप करना किसी चीज़ को. तो जिस तरीके से बर्ड्स जो हैं उनको धोखे से कैच किया जाता है नेट के थ्रू, और जो फिश होती हैं, तो एंशंट टाइम में ऐसा बोला जाता था कि जो हॉर्स होते थे उनकी पूंछ से नेट बनाया जाता था, पूंछ के हेयर की वजह से जो नेट बनता था उसमें जो है फिश के लिए ट्रैप होता था, उससे ही ट्रैप बनाया जाता था फिश का. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बेलिंडा के हेयर्स हैं वो उसी तरीके से नेट का काम करते हैं, एक तरीके का ट्रैप का काम करते हैं, जिसपे कि जो मैन है, जो ह्यूमन है, जो आदमी लोग हैं, वो उनके उन ट्रैप में फंस के रह जाते हैं. इंस्नेयर का मतलब हो गया कि ट्रैप हो जाना, उसमें फंस जाना. उसी तरीके से जैसे कि चिड़िया जो है जाल में फंस जाती है या मछली जाल में फंस जाती है, उसी तरीके से वो बेलिंडा के वो हेयर्स जो हैं वो उसी तरीके का ट्रैप का काम करते हैं, और वो उनके एक सिंगल हेयर और उसकी ब्यूटी से ड्रॉन होके वो उस जाल में, बेलिंडा की ब्यूटी के जाल में वो फंस जाते हैं. द एडवेंचरस बैरन. अब यहाँ पे हमारा हीरो आता है, जो लॉर्ड पेटर जिसके बारे में हमने बात किया था, उसको यहाँ पे बैरन के रूप में रिप्रेजेंट किया है पोप ने. तो अब वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ एंट्री होती है हीरो की, बैरन की एंट्री, हीरो नहीं विलन कहिए. तो यहाँ पे अब उस बैरन की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही एडवेंचरस इंसान है. द ब्राइट लॉक एडमायर्ड. और उसने उनके लॉक्स को, जो बालों की लटे हैं बेलिंडा की, उसको उसने एडमायर किया. ही सॉ, ही विश्ड टू द प्राइज्ड एस्पायर्ड. अब उसके अंदर उसको पाने की चाहत आ गई, बेलिंडा को हासिल करने की, और उसकी ब्यूटी को, मतलब उसकी बालों को वो चाहता है, बहुत ही प्यार करता है, वो चाहता है कि वो उसके पास आ जाए. रिजॉल्व टू विन, ही मेडिटेट्स द वे. और अब उसको हासिल करने के लिए, बेलिंडा को जीतने के लिए, अब वो मेडिटेट करने लगा वेज, मतलब अब वो सोचने लगा कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे पास वो लड़की आ जाए. बाय फोर्स टू रैविश. रैविश का यहाँ मतलब हो गया कि इंथ्राल, बिविच्ड हो जाना किसी चीज़ में. आप एकदम या तो आप फोर्सफुली उसको हासिल करो, या उसको आप बिविच्ड कर लो अपने अंदर, मतलब उसको आप अपने प्यार में उलझा लो, बिविच कर लो. और बाय फ्रॉड और बिट्रे. अब वो सोच रहा है कि कौन कौन से तरीके हैं बेलिंडा को हासिल करने के लिए. या तो बाय फोर्स करिए, या उसको बिविच्ड कर लीजिए, इंथ्राल, स्पेल बाउंड कर लीजिए कि आपके प्यार में वो
फंस जाए और फ्रॉड करो या कुछ ऐसा करो तरीका, तो वो इन सारे तरीकों के बारे में सोचते हैं. अब फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर टॉयल्स अटेंड, अब उसके दिमाग में ये चीज़ आ गया है कि किस तरीके से मुझे अपने प्यार को पाने में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ों को अब जो बैरन है वो प्रिपेयर करने लगता है और वो अपने आप को उस लव में सक्सेसफुल बनाने की जद्दोजहद करने लगता है. आगे फ्यू आस्क इफ फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड. अब उसका ऐसा मानना है कि एक बार अगर आपने किसी को पा लिया तो वो मैटर नहीं करता कि आप उसको फ्रॉड के साथ पा रहे हो, आप उसको फोर्सफुल पा रहे हो, किस तरीके से उस आपने अटेंड किया. मतलब कि आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो द वे किस तरीके से आपने किया वो नहीं मैटर करता. तो ये बैरन का जो है मेंटालिटी और उसकी जो सोच है वो यहाँ पे पोप ने हमारे सामने रखा है. फॉर दिस अर फेबस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड प्रोपीटियस हेवन एंड एवरी पावर अडोर. अब यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि वो अपने अंदर इस चीज़ को, जैसे कि जो फोबियस का मतलब होता है अपोलो, सन गॉड को कहा गया है, तो जैसे अपने अंदर वो सन का वो पावर अपने अंदर वो लेकर आता है और वो सोचता है कि कैसे, जिस तरीके से सन जो है राइज करके और सब कुछ एम्पावर्ड कर लेता है और वो उसी तरीके से वो रोशनी वो ताकत वो चाहता है. एंड यहाँ पे है कि अब वो हेवन को सबको, जो कि अब वो सोच रहा है कि किस तरीके से मुझे कौन कौन सी पावर चाहिए जिससे कि मैं बेलिंडा को हासिल कर लूँ, तो वो अब सभी पावर को, जैसे कि जो प्रोपेटिस जो है वो ऑस्पिशियस हैप्पी जितने भी पावरफुल है हेवन, उसको वो प्रसन्न मतलब खुश करने की कोशिश कर रहा है. सभी पावर, सन की पावर, हेवन की पावर, सभी पावर को वो खुश करने की कोशिश कर रहा है बैरन, कि उसके अंदर वो अपनी एनर्जी डाल दें जिससे कि वो बेलिंडा को हासिल कर सके. बट चीफली, अब लेकिन सबसे ज़्यादा उसने किस ईश्वर की पूजा की, जो कि गॉड ऑफ लव है. गॉड ऑफ लव बोला जाता है वीनस को. तो कुल मिला के यहाँ पे गॉड ऑफ लव को बैरन ने ज़्यादा एडमायर किया, चीफली उसी की प्रेयर शुरू की और उसने एक लव ऑल्टर बिल्ड किया. जैसे कि जब आप पूजा करते हो या हवन करते हो तो आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ इन द सेंस कि हिंदू माइथोलॉजी में जब आप कोई पूजा करते हैं तो आप एक ऑल्टर तैयार करते हैं जिसमें आप आहुति देते हैं, पूजा या हवन कुंड उस तरीके से. तो उसी तरीके से यहाँ भी उसने एक ऑल्टर तैयार किया, एक ऐसा जहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ें गॉड को रख के उनको प्रसन्न कर सके, उनको खुश कर सके. तो लव ऑल्टर उसने बिल्ड किया है गॉड ऑफ लव के लिए, जिससे कि वो जो गॉड ऑफ लव है वो बैरन पे खुश हो जाए और बैरन को खुश होके वो सब कुछ दे दें जो बैरन उससे चाहता है. तो अब उसने, जैसे कि अगर हम पूजा करते हैं तो जो गॉड को पसंद होती है वो हम सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हो गया, कुछ मीठा हो गया, कुछ वॉट एवर द गॉड लाइक, सो वो सारी चीज़ें हम डालते हैं. लेकिन बैरन को क्या, बैरन ने क्या डाला है, बैरन ने 12 वास्ट फ्रेंच रोमांस नीटली गिल्ट. अब उसने क्या दिया है कि 12 जो फ्रेंच नॉवेल्स हैं, जो फ्रेंच रोमांसेस हैं, जो फ्रेंच की रोमांटिक बुक्स हैं, 12 फ्रेंच रोमांटिक बुक्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली नीटली कवर्ड है, वो उसने लव गॉड को एज ए ऑफरिंग में दी है. 12 नॉवेल्स, या नॉवेल्स नहीं कहिए, रोमांस कहिए. देयर ले 3 गार्टर्स. अब उसने 3 गार्टर्स दिया है. गार्टर्स क्या होता है, एक तरीके से जो फीमेल सॉक्स को बांधने के लिए या गेटस कह लीजिए, उस तरीके की चीज़ें. तो उसने 3 ऑल गेटस रखी है या सॉक्स को बांधने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको. हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और एक ग्लव्स का पेयर उसने ऑल्टर में रखा है. एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव, और जितने भी उसके एक्स अफेयर्स थे बैरन के, जितने भी पिछली उसके लव ट्रॉफीज थे जो कि उसने जीता, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी चीज़ें उसने अपने लव अफेयर्स में
पाई, वो सारी चीज़ें एज ए ऑफरिंग वो गॉड, लव ऑफ गॉड जो है उनके सामने उस ऑल्टर में रखता है. तो बैरन ने ऑल्टर में क्या क्या रखा, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में. सो इसमें उन्होंने 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस लिखी, 12 फ्रेंच की रोमांस रखी है, 3 गेटिस रखी मतलब गार्टर्स रखे, 1 हाफ ग्लव्स रखा है, पेयर ऑफ मतलब 1 ग्लव्स रखा, और जितनी भी उसकी ट्रॉफीज रही हैं जो कि उसने पिछले लव में पाया था वो सब उसने रख दिया है. और अब उसने आग कैसे जलाई, ठीक है, उसने उसमें मतलब हवन कैसे शुरू किया, उसने अ टेंडर बिलेट डॉग्स ही लाइट्स द प्रे. अब एक टेंडर जो लव लेटर है उसका, एक जो बहुत ही टेंडर बहुत ही इमोशन से भरा हुआ जो लव लेटर्स लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है, या कुछ ऐसी प्यार की कोई निशानी जो कि बहुत ही टेंडर्ड हो बहुत ही इमोशन के साथ दिया जाता है, तो वो जो निशानी है उससे उसने वो आग जो जलाई है, तो उसने उस तरीके से आग जलाई. अब उसने क्या किया, द प्रोस्ट्रेट फॉल्स, और अब वो गॉड ऑफ लव के सामने, हमारे मतलब हिंदू माइथोलॉजीज में कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करना, तो दंडवत का मतलब होता है कि आप सीधा लेट जाते हो, ठीक है, तो उसी तरीके से वो पूरी तरीके से वो उनके उनके पैर में, जो गॉड ऑफ लव है उनके पैर में वो सीधा लेट गया, पूरी तरीके से अपने आप को उसने उनको दे दिया उनको खुश करने के लिए. एंड बेग्स विद द एरिडेंट्स आई, और उसने बहुत ही एंथुजियास्टिक नज़रों से, एरिडेंट का मतलब होता है जो बहुत ही उत्साही होते हैं लोग, उत्साही इन द सेंस कि जो बहुत ही अंदर से एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड नज़रों से उसने उनको देखा और उनके सामने वो पूरी तरीके से फैल डाउन कर गया, एकदम लेट गया उनके सामने कि मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एज ए ऑफरिंग दे दी है और प्लीज़ अब आप मेरी प्रेयर एक्सेप्ट करो और बेलिंडा को मुझे दे दो. Soon to obtain and long possess the prize, ठीक है, अब soon to obtain मतलब ऐसे तो नॉर्मली टाइम लगता है किसी को खुद के मतलब प्यार में पढ़ाने के लिए, लेकिन अब उसको ये चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, long possess, और ये चीज़ें जल्दी चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, मतलब वो चाहता है कि वो बेलिंडा को हमेशा के लिए अपने पास रखे. लेकिन the power gives ear and grant half his prayer. तो जो पावर्स हैं, जो लव गॉड हैं या लव के जो देवता हैं, प्रेम के जो देवता हैं, उसने उसकी बातों को सुना, बैरन की बातों को सुना, और लेकिन वो उसकी आधी विश ही पूरी कर पाए, ठीक है, और उसकी मतलब आधी विश उन्होंने क्या पूरी किया, क्यों पूरी किया, क्योंकि जो आधी विश थी उसकी बैरन की वो डिस्पर्स्ड हो गई एयर में, कहीं हवा में खो गई. क्यों खो गई ये आगे हम देखेंगे. तो जो गॉड है वो उससे खुश होते हैं और वो उसकी आधी विश ग्रांट करते हैं, और जैसा कि बैरन का मांगना था कि वो जल्दी उसको हासिल करना चाहता है और लंबे टाइम के लिए हासिल करना चाहता है, तो वो उसकी बात वो सुनते हैं लेकिन आधा सुनते हैं, और आधी जो है वो विंड में कहीं, जो एम्प्टी एयर है उसमें कहीं आधी बात उसकी खो जाती है. तो अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को हासिल करता है. तो ये है अबाउट रेप ऑफ द लॉक कैंटो 2, और यहाँ पे हमने बैरन को देखा, बैरन की आइडियोलॉजीज को देखा, उसकी थिंकिंग किस तरीके से काम कर रही है वो देखा, देन बेलिंडा की फिजिकल ब्यूटी को हमने एक्सप्लोर किया. तो यहाँ थोड़ा सा हाइपरबोलिक है और थोड़ा सा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं कि किस रोमांस की कॉपी उसने ऑफर में दी थी. तो ये याद रखिएगा कि 12 फ्रेंच रोमांस की कॉपी उसने डाली थी ऑल्टर में, और साथ ही साथ 3 गार्टर्स थे, 1 ग्लव्स थे, और ट्रॉफी थी उसकी जो फॉर्मर लव्स की, लव की जो ट्रॉफी है वो थी. तो इस तरीके से है, और बाकी सब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो आई विल ट्राई टू इसको कंप्लीट कर दें एक दो दिन में, इसीलिए आज मैंने 45 लाइन तक कवर किया है, 45-46 लाइन तक हमने कवर कर लिया. तो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.